गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम टू ऑल टू योर ओन चैनल प्रेस्टी द रे ऑफ लाइट एज यू नो ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर सेकेंड ऑफ योर सेलेबस दैट इज़ सोलर रेडिएशन एंड प्लांट्स राइट जिसके अंदर हम लोगों ने सोलर रेडिएशन और उसकी ज्योमेट्री को पढ़ लिया था उसके बाद हमने सोलर कलेक्टर शुरू किए फ्लैट प्लेट कलेक्टर और सोलर <coughs> पॉन्ड हम लोग पढ़ चुके हैं टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी कंसल्टेटिंग कलेक्टर राइट एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मैंशन हियर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई हैव चेंज दी डिज़ाइन ऑफ स्लाइड एंड आई हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूज दन लोगो ऑफ अवर चैनल तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये नया डिज़ाइन और लोगो पसंद आएगा कुछ लोगों का फीडबैक था स्लाइड्स में कुछ क्लियरिटी को लेकर के तो उसको लेकर के मैंने ये चेंज किए हैं

हम लोगों ने कहा कि ये लो टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए काम आएंगे है ना? एंड हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए uh, जो है हम लोग कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स काम में लेते हैं मीडियम टेम्परेचर के लिए ठीक है ना तो अब जो है थोड़ा सा एक अलग तरह का क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़ते हैं तो वो भी देखने को मिलता है इफ़ य क्लासीफाई दर्मोडाइनमिक साइकिल्स फ्रॉम मैकेनिकल आस्पेक्ट देन दिस कैन बी क्लासीफाइड एज लो मीडियम एंड हाई टेम्परेचर साइकिल्स राइट लो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर <coughs> की जो रेंज है अप टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक हम कह सकते हैं ठीक है ना और ये नॉन कंसनट्रेटिंग की कैटेगरी है जिसके अंदर फ्लैटपेड कलेक्टर सोलर पौंड हम पढ़ते हैं ठीक है ना मीडियम टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अप टू फोर हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है एंड दिस इज़ कंसनट्रेटिंग कलेक्टर हाई टेम्परेचर साइकिल की हम बात करें तो वहाँ पर मोर देन 400 हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अचीव हो जाता है ठीक है ना पावर जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ना <coughs> तो इस क्लासिक मशीन को भी आप ध्यान रखेंगे अगर हम मीडियम टेम्परेचर साइकिल की बात करें या मीडियम टेम्परेचर एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पर जो कंसनट्रेटिंग कलेक्टर्स काम आते हैं वो लाइन फोकसिंग होते हैं बेसिकली है ना देखिए कंसनट्रेटिंग कलेक्टर्स को हम फोकसिंग कलेक्टर भी कहते हैं जिसके अंदर पैराबोलिक कलेक्टर टेक्नोलॉजी काम आएगी आगे इसका एक डिटेल्ड क्लासिफिकेशन देखेंगे जस्ट मैं आपको एक ग्लिप्स दे रहा हूँ मीडियम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के लिए हाई टेम्परेचर के अंदर जो फोकस होगा वो पॉइंट के ऊपर रहेगा और वहाँ पर मीडियम में लाइन के ऊपर रहता है ठीक है ना जबकि नॉन कंसनट्रेटिंग में किसी प्रकार का कोई फोकसिंग डिवाइस हम काम में नहीं लेते हैं है न पॉइंट फोकसिंग की हम बात करें या फिर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस की हम बात करें तो वहाँ पर पैराबोलोडिल डिश कलेक्टर्स या फिर सेंट्रल टावर रिसीवर या हेलियोस्टेट की हम बात करेंगे जो कि हमको डिटेल में पढ़ने भी हैं है ना अब मैं आपको एक आ, ग्राफिकल व्यू में बता देता हूँ ये सारे ही कलेक्टर्स एक स्लाइड के अंदर पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन आप लोगों के सामने मैं रख देता हूँ ये देखिए आप देखिए कंसनट्रेटिंग टेक्नोलॉजी तो नहीं कहे इसको आप ऊपर हेडिंग चेंज करना हेडिंग आप करना सोलर कलेक्टर्स राइट तो थर्मोडाइनमिक साइकिल जो है वो तीन तरह की हैं लो टेम्परेचर अप टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड मीडियम टेम्परेचर अप टू फोर हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड और हाई टेम्परेचर मोर देन फोर हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है ना लो टेम्परेचर के अंदर दो एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पढ़ चुके है। हैं देर आर अदर एग्जाम्पल्स जो हमने पढ़े हैं वही मैंने लिखे हैं फ्लैट फ्लैटपेट कलेक्टर और सोलर पॉन्ड राइट दीज आर नोन एज नॉन कंसनट्रेटिंग कलेक्टर्स बेसिकली राइट एंड इन दिस केस देर इज नो ट्रैकिंग किसी प्रकार की कोई कंसनट्रेशन uh, नहीं है कोई ट्रैकिंग नहीं है है ना वेरी सिंपल टाइप ऑफ कलेक्टर्स

दीज आर नोन एज पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर्स यहाँ पर जो भी फोकस रहेगा वो एक पॉइंट के ऊपर रहेगा और इस केस में हमको डबल ट्रैकिंग करनी पड़ती है डोल एक्सेस ट्रैकिंग से हम कहते हैं ठीक है ना आई थिंक दिस होल क्लासिफिकेशन इज़ क्लियर अब जो हम लोग हमारे सेलेबस की हम बात करें तो एक थोड़ा सा मैं ग्लिप्स दिखा देता हूँ डिटेल में हम इनकी चर्चा करेंगे आगे तो ये है आपका पैराबोलिक ट्रफ़ कलेक्टर ये मीडियम टेम्परेचर साइकिल का है यहाँ पर एक लाइन आपको दिख रही होगी इस लाइन के अलोंग जो है वो हम सारा हीट जो है उसको कंसनट्रेट करते हैं ये डिश स्ट्रीलिंग का मतलब है कि इसमें एक इंजन जो काम आता है वो स्ट्रीलिंग कैटेगरी का होता है इसका आकार एक डिश जो छतरी हमारे घरों में लगी रहती है केबल को लेकर के है ना डी जिसे कहते हैं उसी टाइप का एक इसका स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पर सारा कंसनट्रेशन इस रिसीवर के ऊपर होता है इंजन के ऊपर होता है ना पॉइंट के ऊपर सिमिलरली सोलर टावर की हम बात करें देर वेर इज ए टावर और इस रिसीवर के ऊपर सारा कंसनट्रेशन रहेगा देर आर लॉट ऑफ मिरर्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन और इसी एरिया ऑफ मिररर्स को ही बेसिकली हेल्यूस्टेड कहा जाता है डिटेल में डिस्कस हम आगे करेंगे जस्ट <coughs> आपको एक व्यू बता देता हूँ कि हम आगे क्या पढ़ेंगे ठीक है ना अगर हम सोलर कंसनट्रेटर इन जनरल बात करें ऑर्लियर वी हैव डिस्कस अबाउट द नॉन कंसनट्रेटिंग कलेक्टर फ्लैट कलेक्टर सोलर पॉन्ट उसका हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा सारी वर्किंग देखी अगर हम कंसनटेटिंग कलेक्टर्स इन जनरल बात करें तो इसके अंदर तीन तरह की डिवाइसेस मेनली होती हैं एक है फोकसिंग डिवाइस जिसको यूजुअली <coughs> आपका ये रिसीवर रहता है रिसीवर कहते हैं दूसरा होता है एब्जॉर्बर या रिसीवर प्रोवाइडेड विथ और विदाउट ट्रांसपेरेंट कवर ये जो फोकसिंग डिवाइस है बेसिकली रिफ्लेक्टर है राइट और ये एब्जॉर्बर आपका रिसीवर है है ना ठीक है ना इसके ऊपर सारी लाइटें जो आएंगी फोकस होगा वो सारा का सारा इसके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक होकर के जाएंगे रिसीवर के ऊपर और एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है जो कि हम सन uh, की पोजिशन को ट्रैक करते हैं इट मे बी सिंगल एक्सिस और इट मे बी डुअल एक्सिस डिपेंडिंग अपॉन दी कंसंट्रेशन इज आइदर ऑन लाइन और आइदर ऑन पॉइंट राइट अब इसका जो वर्किंग है उसको देख लेते हैं तो देखिए जितने भी कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स हैं चाहे वो मीडियम टेम्परेचर साइकिल के हों चाहे वो हाई टेम्परेचर साइकिल के हों दे मेक यूज ऑफ मिरर्स एंड लेंस क्योंकि आपको कंसंट्रेट करना है लाइट को तो मिरर और लेंस काम में लिए जाते हैं राइट और फोकस सन लाइन ऑन टू ए थर्मल रिसीवर एक रिसीवर के ऊपर सारा हम फोकस करेंगे राइट द एब्जॉर्बर ऑफ द थर्मल रिसीवर एज द प्लेट प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट लाइन भी हो सकता है वो डिपेंड करता है ठीक है ना और ये जो थर्मल एनर्जी है इसको हम एक वर्किंग फ्लूड के ऊपर ट्रांसफर करते हैं ये हम आगे जब लाइन uh, कंसनट्रेटर और पॉइंट कंसनट्रेटर की बात करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे और उसके बाद इसको कन्वर्ट किया जाता है थर्मल एनर्जी के अंदर एंड दिस थर्मल एनर्जी दैट इज हीट विच ड्राइव्स द टर्बाइन एंड द टर्बाइन इज मैकेनिकली कपल्ड विद द अल्टरनेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी राइट आगे बढ़ते हैं ये इसका वर्किंग पूरा एक डायग्राम की फॉर्म में आप देख लें ये आपका हाई टेम्परेचर वाला एग्जाम्पल मैंने दिया है ये फ्लूड हीट होगी स्टीम जनरेटर है ये स्टीम पैदा हुई स्टीम टर्बाइन इट इज़ कपल्ड विद द मैकेनिकल सॉरी जनरेटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट वुड बी देयर राइट सो कलेक्टर कलेक्ट्स सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इंटू हीट एंड देन टर्बाइन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी विच इज कपड़ विद द अल्टरनेटर राइट सो आई होप दिस होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू एक दो बात अपन और कर लेते हैं इसको वर्डिंग्स के अंदर कंसनट्रेटिंग सोलर कलेक्टर यूज मेरा रिलायंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं थर्मल रिसीवर जो है वो एब्जॉर्व करता है सनलाइट को जो कि कन्वर्ट करेगा उसको हीट में दिस हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू स्टीम टर्बाइन और इंजन राइट right? यहाँ पर वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और फिर जनरेटर के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है ना अब हम इसके एडवांटेज और अगर हम ड्रॉबैक की बात करें दिस इज द लास्ट स्लाइड तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो इट इज ऑब्वियसली इट इज हैविंग मोर एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू नॉन कंसनट्रेटिंग कलेक्टर्स और यू में से फ्लैट कलेक्टर्स राइट लॉसेस कम होंगे क्योंकि आपने कंसनट्रेट कर लिया थर्मल लॉसेज ऑब्वियसली कम होंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्टोरिंग हीट एट हाई टेम्परेचर रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द स्टोरेज कॉस्ट अगर ऑलरेडी हीट बहुत ज़्यादा है तो आपको जो है स्टोरेज की कॉस्ट इसकी कम हो जाएगी ड्यू टू हाई टेम्परेचर अचीवमेंट राइट अब इसका हम ड्रॉबैक की बात करें तो जो है क्योंकि कंसनट्रेशन आपको करना पड़ेगा ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा आएगी है ना आप ट्रैकिंग करेंगे आइर सिंगल एक्सिस इन केस ऑफ लाइन फोकसिंग और ड्वेल एक्सिस इन केस ऑफ पॉइंट फोकसिंग देन ऑब्वियसली मोर मेंटेनेस इज रिक्वायर्ड बट इन केस ऑफ नॉन कंसनट्रेटिंग देर इज नो ट्रैकिंग स्टेटिक एक सिस्टम रहता है तो वहाँ पर ऑब्वियसली मेंटेनेंस कम रहेगा है ना नॉन कंसनट्रेशन के केस में हम लोग ग्लोबल रेडिएशंस यूज करते हैं डायरेक्ट और डिफ्यूज दोनों बट यहाँ पर डिफ्यूज़ रेडिएशंस काम में नहीं आते हैं केवल और केवल डायरेक्ट रेडिएशन से हमारा कंसर्न रहता है ठीक है ना और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ कहीं भी पावर uh, जनरेशन की बात होगी हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस पॉइंट फोकसिंग कंसनट्रेशन की बात होगी तो ऑब्वियसली वी हैव टू प्लेस द प्लांट, द लोकेशन वेयर ऑलमोस्ट क्लियर स्काई कंडीशन इज प्रिफर्ड राइट वो तो ज़्यादा अच्छा रहता है अदरवाइज कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में दिक्कत आती है ये आप जानते हैं राइट सो आई होप ऑफ कंसनट्रेटिंग कलेक्टर्स देर डिफरेंट टाइप्स एंड इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ये आपको क्लियर हो गया होगा Uh, आगे की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हमारे कोर्स में बेसिकली दो तरह के uh, हमको पढ़ने हैं पैराबोलिक ट्रफ जो कि लाइन फोकस्ड है और सेंट्रल uh, टावर रिसीवर हमारे कोर्स में है लेकिन फिर भी डिश uh, वाला हम भी डिस्कस करेंगे सो so, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक like और शेयर जरूर करिएगा और ये जो नया स्लाइड uh, डिज़ाइन है और जो लोगो है इसके ऊपर भी मैं चाहता हूँ आप कमेंट करें और इसमें क्या बेटरमेंट किया जा सकता है उसके लिए भी uh, आपके सजेशंस इनवाइटेड हैं सो आई एल बी हैप्पी इफ यू कमेंट एंड सजेस्ट मी सो एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद जय हिंद <coughs>